वहीं डंपिंग ग्राउंड के विरोध में मामले में कुछ एक्सपर्ट्स से बात की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ विप्लव अवस्थी ने। 2023 में बनने वाले डंपिंग ग्राउंड को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जो आसपास के रेजिडेंट हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड बनने से एक तो पर्यावरण तो दूषित होगा ही, पानी भी दूषित हो जाएगा, और इसी कारण लंबे समय से यहां से प्रोटेस्ट चल रहा है। शासन अगर प्रशासन की बात करें तो उसका साफ तौर पर यह कहना है कि एनजीटी का ऑर्डर है और एनजीटी के ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट कह रहे हैं कि यही क्यों। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो ऐसे रेजिडेंट हैं और जानकार हैं जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अनुपम। अनुपम जी, सेक्टर 54 में ये डंपिंग ग्राउंड था जिसे यहां पर लाया जा रहा है। समस्या ये है कि 700 मेट्रिक टन कूड़ा आखिर जाए कहां? सेक्टर 54 में भी यही दिक्कत हुई, 123 में भी। सरकार अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का व्यवस्था नहीं करेगी, तो कूड़ा कहां जाएगा? देखिए, जैसा कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि 54 में जहां पे ये डाल रहे थे वो भी एक फॉरेस्ट लैंड था, वो भी एक ग्रीन रिक्रिएशनल लैंड था। ये वाला भी जो लैंड है ये भी ग्रीन रिक्रिएशनल लैंड है। मास्टर प्लान के अंदर इसको चिन्हित किया गया है कि ये ग्रीन रिक्रिएशनल लैंड है। अथॉरिटी जहां पे भी खाली जगह देखती है, जहां पे कि वो बिल्डर नहीं बना सकती, बिल्डर को बेच नहीं सकती, उस जगह पे वो कूड़ा डालना शुरू कर देती है। इसीलिए अगर 151 के अंदर जहां पे कि ये चिन्हित है, जहां पे कि कोई आसपास रिहायशी कॉलोनियां नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन जीरो के बराबर है, ये वहां क्यों नहीं डालते? क्योंकि वहां पे बिल्डर्स की लॉबी है, वहां पे फ्लैट अभी बिके नहीं है। जो धोखा इन्होंने हमारे साथ किया है, यही धोखा ये बाद में सेक्टर 150, 149 के साथ भी करेंगे। लेकिन एनजीटी में आप लोगों की बात नहीं सुनी गई थी, एनजीटी ने तो यहां के लिए आदेश दिया। दरअसल एनजीटी को गुमराह किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने उनको ये कहा गया 14 सितंबर 2016 की एक आरटीआई में साफ साफ लिखा है कि सेक्टर 123 पर्यावरण मानकों एमएसडब्ल्यू नॉर्म्स 2016 के अकॉर्डिंग बिल्कुल फुलफिल नहीं करता है। ये फ्लड जोन अफेक्टेड एरिया है, 200 मीटर से भी कम 120 या 30 मीटर ये होम्स 121 सोसाइटी है, और बराबर में दो नेशनल हाईवेज हैं जिसमें कि नोएडा टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट और दूसरा एफएनजी। तो ये सारे नॉर्म्स डिस्पो फॉलो हो रहे हैं, पर्यावरण मानकों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए एनजीटी को ये खबर नहीं है और ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं और पूरी जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो डंपिंग ग्राउंड है उसका लगातार विरोध जारी है और रेजिडेंट का साफ तौर पर ये मानना है कि जो डंपिंग ग्राउंड यहां बनाया जाना था वो नहीं बनाया जाना चाहिए और इसको